पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। मैं सीधे इस पर और चर्चा करने के लिए आपको ले चलता हूं डॉक्टर डीपी दोबाल के पास। सीनियर साइंटिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, ये समझने के लिए कि ऐसा वहां पर क्यों हो रहा है। विमलेंदु झा पर्यावरणविद हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दोबाल, मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि आपको प्राइमा फेसाई कारण क्या समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये एकाएक घटना नहीं हो रही। पिछले एक साल से लगातार देखा जा रहा है कि जोशीमठ के इलाके में कई घरों में दरारें आ रही हैं, जो खेत हैं वहां पर भी इस तरह से जमीन धंसने की शिकायत हो रही है, और कई जगह पर तो हाई टेंशन वायर के जो पोल लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं, वो भी झुक गए। एक्चुअली अगर जोशीमठ को देखा जाए, जोशीमठ जो है जो एक छोटी सी सिटी है, एक छोटा सा शहर है, जो शंकराचार्य ने बसाया था आज से 400-500 साल पहले, वो एक ग्लेशियर मेटल में बसा हुआ है, जिसको हम मोरनिक डिपोजिट बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी वहाँ पर ग्लेशियर रहा, ग्लेशियर द्वारा जो मलबा लाया गया उस पर जोशीमठ बसा हुआ है। तो और वो स्लोप बैठा हुआ है, तो पहले क्या होता था कि जोशीमठ में जो भी घर थे, छोटे छोटे घर थे, और आपका जो है ज्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं था, तो वो उस बार को बहन कर लेता था। और ये जो क्रैक बनना, दशा आना, ये जोशीमठ में आग की प्रक्रिया है, ये बहुत सालों से चली आ रही है, पर वो पहले महसूस नहीं होती थी, वो ज्यादा विजिबल नहीं होते थे, लोग उसको ज्यादा केयर नहीं करते थे, क्योंकि बस्ती कम थी। अब जैसे जैसे जोशीमठ डेवलपमेंट हो रहा है, बस्तियां बढ़ रही हैं, आज जोशीमठ जो है मला नीचे मारवाड़ी से लेकर के औली तक पहुंच गया है, इतना बड़ा सिस्टम वहां पर जो है बन चुका है, उसके ऊपर जो है कई चीजें जो एक्टिविटी जो आपकी वहां पर चल रही है, जिससे जो है जो छोटे छोटे क्रैक थे, जो छोटे छोटे पानी के रिसाव था, उसमें काफी डिस्टर्बेंसेस हो गई है। बेयरिंग पावर जो कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी है उस बेस की, उसको तय नहीं कर पा रहा है, वो स्लो पा है, धीरे धीरे नीचे को धस रहा है। दूसरी चीज यह है कि जो यहाँ पर जो मैं समझता हूँ, जो आज 2 साल से जो है जो इसमें जो तेजी आई, उसका मेन कारण जो है 2021 का जो आपका जो एक आपदा आई थी, जो एक बाढ़ आई थी, उससे जो है नीचे तो कटिंग पे हीट कर दिया इसके बेस को। तो विमलेंदु, क्या ये माना जाए कि जो इस तरह की ये जो, जैसे पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये सिचुएशन पहले ही बनती थी, क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंट वहां था नहीं, ज्यादा लोग वहां थे नहीं, तो इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं होती थी, तो क्या 2013 की आपदा से उत्तराखंड ने कुछ सीखा नहीं है? और उत्तराखंड में जो बार बार ये एक डिस्कशन और डिबेट हो रही है कि डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी का बैलेंस जो करने की जो पूरी बातचीत होती है, पर्यावरण के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात होती है, क्या उससे सरकार में अभी तक उसकी तरफ सरकार की कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ती है? जी अंकित, आपकी बात एकदम सही है कि अगर हम देखते हैं कि एक रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए, विकास के विरुद्ध कोई बात नहीं कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसको आप रियल एस्टेट नहीं मान सकते, एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है पूरा का पूरा हिमालय, और हम देखते हैं कि किस तरह से हमें सड़कों की आवश्यकता है, लेकिन कैसी सड़क हो और कितनी सड़कें हो, अगर आप देखें तो लगभग 65 से 66 लगभग टनल्स की खुदाई वहां पे हो रही है, जिसमें से सोलर टनल्स बन चुके हैं, हम डैम्स के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम स्मूथ रोड चार धाम यात्रा की बात करें तो ये सारे चीज कागज पे तो अच्छा लगता है कि हाँ एक स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, एक मोबिलिटी का नेटवर्क हो, एक आर्म्ड फोर्सेस से लेके सिविलियंस तक को सबको एक एक्सेस मिले, टूरिस्ट को एक्सेस मिले, लेकिन उसका खामियाजा जो हम उसकी इकोलॉजी के पास उतनी कैपेसिटी है क्या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, और इसलिए उसका रिस्क असेसमेंट क्या है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश के तरह देखती है, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो रिस्क है और उसके बहुत सारे साइंस एंड फेनोमेना जो है दिखता आ रहा है 2013 के बाद। क्या इस तरह के किसी डेवलपमेंट से पहले कोई रिस्क असेसमेंट जो आप बता रहे हैं या सस्टेनेबिलिटी का कोई मैपिंग होती है कि ये इलाका इसके लिए ठीक है या नहीं है, या सरकार अपने हिसाब से पहले शुरू कर देती है काम और उसके बाद फिर सोचा जाता है कि अब क्या करा जाए? जी अंकित, कागज पे तो ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एक इकोसिस्टम है और हमें सबका एक रिस्क असेसमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो कागजी तौर पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे एकेडमिक बॉडीज और रिसर्चर्स ने कहा है कि हम कैसे बैलेंस करें, लेकिन हम इस फोड़ में, इस जिद में पूरे के पूरे इकोलॉजी को तोड़े जा रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम जो है, हम हर साल, सिर्फ 2013 की आपदा की बात नहीं है, अगर आप 2013 के बाद से 2012 अभी 9 साल में देखें, तो हर साल
कोई ना कोई आपदा, इन द सेंस क्लाइमेट चेंज के लेंस से अगर आप देखें तो ऑलरेडी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। हम क्लाउड बर्स्ट जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स की बात भी नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि एक दिनचर्या के तौर पे, एक डेली बेसिस पे एक पूरा का पूरा शहर जो है वो डूब रहा है। क्यों? ताकि हम चौड़ी सड़क, चौड़ा टनल और रेल नेटवर्क वगैरह बना पाए। उसका क्या उपाय है कि अगर हिमालय ही ना हो, वहां के लोग ही ना हो, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की का कोई औचित्य ही नहीं बनता। डॉक्टर दोबाल, क्या ये जो दरारें हमें दिखाई पड़ रही हैं, क्या इससे ये अंदाजा लगाना उचित होगा कि कोई आगे आने वाली बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर अभी भी हम नहीं समझे तो? जी बिल्कुल सही बात करें, क्योंकि जोशीमठ जो एरिया जो है अब बहुत ही काफी फिजाइल हो चुका है, क्योंकि पूरा जो है मास जो है एक कह सकते हैं मोबिलाइज हो चुका है। वो जो आपने देखा होगा कि मकानें टिल्ट हो रही हैं, दरारें पड़ रही है और नीचे पानी भी आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर का पानी था, जो पानी रिश्ता नीचे को ऊपर को आ रहा है वो पानी, तो इसमें एक मतलब यह है कि बहुत जरूरी हो गया है, हमें उसके एक पर्टिकुलर सर्वे करनी चाहिए, हमें उसे देखना चाहिए कि इसके जो मास है, मास की थिकनेस कितनी है, कहाँ हमें रॉक बेड इंस्टीट्यूट रॉक मिलती है, क्या इसमें आगे हो सकता है, इसकी सर्वे करना बहुत जरूरी है। ये केवल ये बोलना कि क्रैक पड़ रहे हैं और ये गवर्नमेंट कुछ कर रही है या हम कुछ कर रहे हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको जोशीमठ को बचाना है तो उसके लिए एक मिनिमम प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी है, साइंटिफिक प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी सर, है। ऐसे क्या उपाय अभी लिए जा सकते हैं, मतलब क्या आगे आने वाले कंस्ट्रक्शन पे कुछ रोक लगाई जाए, क्या वहां पर क्या अभी एक्टिविटी इमिडिएटली ऐसी की जा सकती है जिससे कि एकदम ऐसा ना हो कि कल घर गिरने शुरू हो जाए वहां? देखो अभी इमिडिएट तो है कि पहले आपको उनको बचाव करना की बात है, जो आपके काम हो रहे हैं वो तो हो चुका, जो जो जिस डेवलपमेंट का उसमें जैसे टनल का काम बहुत चल रहा था, आप लूज मेटर के लिए टनल ले जा रहे हैं, वो सब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज से कुछ साल पहले जो है जोशीमठ जो टनल बन रही थी उसमें एक पंचर कट गया था जिससे पूरा पानी को जो है बाहर निकाल चुका है, उसका भी मुझे लगता है इसका भी एक प्रभाव पड़ा हुआ है जोशीमठ में, जो क्रैक ज्यादा डेवलपमेंट हुए, तो इसे इमीडिएट ये है कि हमें उसमें एक सीरियस होकर के सीरियसनेस लेकर के उसकी पूरी छानबीन करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें कहाँ इसको डायग्नोस कर सकते हैं हम, इसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सरकार को ये बातें बहुत सीरियसली सुननी चाहिए जो दोनों हमारे विशेषज्ञ इसमें बता रहे हैं कि आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ सोचना पड़ेगा, सिर्फ ब्लास्ट करके टनलिंग करके अगर बड़ चौड़ी सड़कों से ज्यादा लोगों को इस इलाके में आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग केदारनाथ बद्रीनाथ और चार धाम की यात्रा कर पाएं, उसका दुष्परिणाम क्या पड़ रहा है उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना जरूर पड़ेगा, वरना इस तरह की समस्याएं आगे और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।